सिटी में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आपको खेल खबरों की। यह नजारा है दिल्ली के विख्यात टूर्नामेंट मकसूद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के 29वें संस्करण का, जिसकी शानदार शुरुआत गाजियाबाद के मोहन नगर ग्राउंड पर 27 मार्च को की गई। इस टूर्नामेंट के तहत रविवार को खालसा कॉलेज के मैदान पर ओम नाथ सूद क्रिकेट कमेटी टीम और दिल्ली खेल पत्रकार संघ यानी DSGA की टीम के बीच 15-15 ओवर का एक रोमांचक दोस्ताना मुकाबला खेला गया। इस मैच में DSGA की टीम ने ओमनाथ सूद क्रिकेट कमेटी को 39 रनों से हराकर बड़ी ही आसानी से मैच जीत लिया। DSGA की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 150 रन बनाए। इससे पहले DSGA की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के निर्णय लिया और कैप्टन चेतन शर्मा की अगुवाई में टीम मैच जीतने के लिए मैदान पर उतरी। DSGA के रूपेश रंजन को मैन ऑफ द मैच, अमित चौधरी को श्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं ओमनाथ सूद क्रिकेट कमेटी टीम के मदन खुराना को श्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में सम्मानित किया गया। 29 जो टूर्नामेंट खेला गया, इसके आपकी टीम विजय रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और कितने साल से आप खेलते आ रहे हैं इसको? हम काफी सालों से खेलते आ रहे हैं और आज हमारी टीम जीती है। मुझे हमने खिताब बरकरार रखा है। रुपेश ने बहुत अच्छी बॉल कराई है, कुलदीप ने भी बहुत अच्छी बॉल कराई है और अमित चौधरी की तो बैटिंग हम सब ने देखी है, बहुत बढ़िया रही है। और जिस तरीके से सूद सर ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं हम लोगों के लिए हर साल, हमें बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा इनका इंतज़ाम रहता है और हमारी सारी टीम जितने जर्नलिस्ट हैं सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस बारे में ज़्यादा अगर कोई बता सकेगा तो हमारे राजेश राय सर हैं, वो बता पाएंगे। सर, ये मीडिया फ्रेंडली जो टूर्नामेंट खेला जाता है, इससे क्या कुछ उत्साहवर्धन होता है मीडिया लोगों का और जो आयोजक होते हैं इसके बीच? उत्साह तो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ये लोग खेलते हैं, जिस डेडिकेशन के साथ खेलते हैं। आज धूप बहुत खैरा, हवा अच्छी चल रही थी, लेकिन हमारे तमाम जितने खिलाड़ी हैं बहुत बढ़िया खेलते हैं और इनका जोश हमेशा इसके काबिल तारीफ रहता है। पिछले साल भी हम लोगों ने मैच जीता था, ये इस साल भी मैच जीता है और ख़ासतौर पर हम प्रमोद सिंह जी के आभारी हैं जो ये टूर्नामेंट कराते हैं। उन्हें 30वां साल है इस टूर्नामेंट का, पिछले 29 साल से लगातार टूर्नामेंट कराते आ रहे हैं और हर बार टूर्नामेंट एक नए लेवल पर पहुंच रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि टूर्नामेंट हर साल एक नए लेवल पर पहुँच रहा है, इसमें नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस बार इनका टूर्नामेंट मोहन नगर के मोहन निकिस ग्राउंड में चल रहा है, खैर पत्रकारों का मैच इस खालसा ग्राउंड मैदान पर हुआ था। तो साहब, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमें हर साल एक मैच खेलने का मौका देते हैं, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूद साहब, आपका क्या अनुभव है मीडिया फ्रेंडली जो मैच है इनको लेकर के और जो एक आपने ये 29 साल तक जो सफ़र तय किया? सबसे पहले तो मैं मीडिया का, जितने भी मीडिया के प्लेयर हैं, मैं उसका बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारे लिए एक ही बार इनसे कहने की ज़रूरत होती है कि आपसे हम मैच खेलना चाहते हैं और ये भी बड़ी खुशी से हमारे पास आते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये टूर्नामेंट, जैसे टूर्नामेंट के दिनों में एक मैच खेलने का इनसे मौका मिलता है। हमारे भी जो क्लब के स्पॉन्सर रहे हैं, जो और क्लब के मेम्बर्स हैं, जो फॉर्मर मेम्बर्स हैं, वो इस मैच को खेल के बहुत खुश हैं। क्या कुछ अचीवमेंट्स रही है आपके 29 साल की जो आप देख पा रहे हैं? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा तो मकसद ही इस टूर्नामेंट को कराने का एकमात्र यही मकसद था कि जूनियर्स प्लेयर, जो जितने भी जूनियर्स प्लेयर हैं उनको बड़े प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिले, कि ऐसा प्लेटफॉर्म मैं तैयार कर सकूँ जिसमें छोटे बच्चे बड़े बच्चों के साथ खेल के उनका उत्साह वर्जन हो, उनके साथ खेले और उनसे कुछ सीखे। सर, आगे क्या? सूद साहब को बधाई देता हूँ कि वो तो करवा ही रहे हैं, साथ में पत्रकारों के मैच भी करवा रहे हैं और लगातार उनकी टीम, उन्होंने मतलब पत्रकारों को जितवाने का सिलसिला भी बनाए रखा है। ये 29वां टूर्नामेंट है और यह टूर्नामेंट मेरे पिताजी की याद में टूर्नामेंट हो रहा है। और चलिए सर, ये मीडिया से जो मैच खेलते आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक याद है 2006-07 से खेलते आ रहे हैं और बड़े ही अच्छे माहौल के अंदर यह मैच खेला जाता है
और किसी भी टीम की हार जीत चलती रहती है, अगर दोनों टीमें खेलेंगी हार जीत का कोई इसमें मायने भी नहीं इतने रखते, और ये मैच चलता आ रहा है। और सबसे मैं तो थैंक्सफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ मीडिया का कि जो इन बच्चों की, इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं, जिनकी बदौलत ये प्लेयर आगे बढ़ने में आगे बढ़ते हैं, और जो सिलेक्टर वगैरह होते हैं उनकी निगाह पड़ती है कि ये प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसको टीम के लिए, इसको टीम में शामिल किया जाए। ये सवाल है कि इस टूर्नामेंट में क्या क्या इसकी खासियत है। टूर्नामेंट जिस दिन इसका टूर्नामेंट का फाइनल हो जाएगा, 15-20 दिन के बाद ही लोग ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये टूर्नामेंट फिर कब होगा, तो उनको अगले साल के लिए 15-20 दिन बाद ही उनको ये लगता है कि टूर्नामेंट खत्म हो गया, ये तो टूर्नामेंट चलना चाहिए। जिज्ञासा अचीवमेंट ही है, जिज्ञासा रहती है ऑफकोर्स। यहाँ पे प्लेयरों का सवाल है। सबसे पहले हमारे इस टूर्नामेंट में खेलने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ियों में आकाश चोपड़ा, आशीष नेहरा, रमन लांबा, संजीव शर्मा, अजय शर्मा, ऐसे कई खिलाड़ी थे जिन्होंने 1994-95-96 में, उसके बाद 96 में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, रजत भाटिया, ये प्लेयर आए। उसके बाद निरंतर इस टूर्नामेंट में अलग अलग तरह के प्लेयर खेलते चले गए, इवन विराट कोहली, मुन्ना पटेल, रमेश पवार, ये यजवेंद्र चहल, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, ऐसे अनेकों ऐसे खिलाड़ी हैं। 51 खिलाड़ी आज तक ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को खेला और उसके बाद इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया। डेट के अंदर हम फाइनल टीम जीतने वाली को 1.5 लाख रुपए का कैश प्राइज और रनर अप टीम को 75,000 रुपए का कैश प्राइज देते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे कितने प्राइजेज हैं जो प्लेयरों को देते हैं। हर साल हम 2 खिलाड़ियों को ऐसे को प्राइज देते हैं जो इस टूर्नामेंट में खेले या ना खेले। हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनका फ्यूचर अच्छा है, उन 2 प्लेयरों को सिलेक्ट करके हम पूरी किट देते हैं उनको। उभरती हुई प्रतिभा, जो उभरती हुई प्रतिभा, हर वर्ष 2 खिलाड़ियों को हम उभरती हुई प्रतिभा को प्राइज देते हैं टूर्नामेंट की तरफ से। सर ये तो